बलराम भैया नमस्कार। नमस्कार मैं छत्तीसगढ़ से अजय केला, जी जिला धमतरी, गांव भखारा। जी और आपके हिसाब से मैंने केला लगाया है। ये प्लॉट मेरा 5x7 का है। प्लांटेशन हुआ है सात फरवरी को। मैं आपको दिखाता हूँ प्लॉट कैसा है। इसमें बीच में क्या है, बर्फबारी हो गई थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लॉट है। इसमें क्या है, बर्फबारी बीच में हुई थी करके पौधे कुछ डैमेज हो गए थे। बहुत अभी अच्छा बोला, दिख वापस रहा है। अच्छे दिख रहे हैं, पास चल पास रहा है। कैसे दिख रहे हैं दो और वही बर्फबारी के चक्कर में ये अपना भुट्टा भी मक्का ठीक से नहीं जग पाया है। तो फिर आपसे बात होने के बाद कि आप घास को रख दो करके, तो एक घास को बीच बीच में मैं रखा हूँ। आप बताएंगे पौधा कैसे चल रहा है, इसमें और क्या करना है अपने को। पौधा काफी अच्छा दिख रहा है, मैच्योरिटी का सिंबल है। सर मरना दिख रहा है, सनबर्न नहीं है, जलन नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। आप और बताएंगे, सजेशन देंगे। जिसमें काफी अच्छा लग रहा है पौधा, हुआ था वो पौधा देखो कितना स्ट्रांग है और कुछ 19 है। वैसे ही एक प्लॉट, ये बीच में कचरा डाला हुआ है, एक घास है, इसमें नाली बनी हुई है। आप बीच में पूछे थे, ये नाली बनी हुई है, अब घास जग गया, मैं घास को काटा नहीं हूँ। और ये अपन इसमें पैरा का मल्चिंग किए हुए हैं, इसमें भी बार बार बारिश होने के कारण घास जग गई है। बाकी इसमें अपन जीवामृत डाल रहे हैं हर 10-12 दिन में। और ये नाली है तो आगे चल के बरसात में नाली काम आ जाएगा। नाली एक बेड में कचरा है, इसमें नाली है, ये ऐसा है। मक्का लगभग 30% के आसपास जगह है, बाकी मक्का भी डैमेज हो गया है, ये ऐसा है। बनाना काफी अच्छा दिख रहा है आपका, एकदम स्ट्रॉन्ग पत्ता, मैच्योर्ड। ये सामने वाला प्लॉट और दिखाता हूँ आपको, ये प्लॉट है अपना 7x5 का। आपने एक 5x7 लगाया है, एक 7x5 लगाया है। 7x5 में लगा हुआ है केला। सामने सामने में डबल पौधा है। हाँ। जैसा कि आपने बताया था, इसमें भी बीच में नाली है ये। हाँ। ये नाली है, लेकिन अभी घास के कारण इसको भी छोड़ दिए हैं, साफ नहीं किए हैं। इसका बीच बीच का घास साफ कर रहे हैं, पौधे के नजदीक का, बाकी घास छोड़ रहे हैं इसमें भी। बराबर। ये पौधा हमारा 7x5 का है ये प्लॉट। पौधे में कोई कमी है तो बताना, बीच बीच का पौधा थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। उसमें एक्स्ट्रा बेसल डाल रहे हैं, बीच बीच का घास साफ कर रहे हैं, पौधे के नजदीक का, बाकी घास छोड़ रहे हैं इसमें। ये पौधा हमारा 7x5 का है ये प्लॉट। पौधे में कोई कमी है तो बताना, बीच बीच का पौधा थोड़ा ज्यादा ही छोटा है। उसमें एक्स्ट्रा बेसल डाल रहे हैं। अभी घास काटना वापस चालू हुआ है, पत्ते से जो घास टच हो रही है उसको साफ करने के लिए आज से लेबर लगे हैं उधर, 8-10 लाइन हुआ है साफ। और ये है इसमें, और अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ये आप बताना। जो आप बोले हो वही सर्कुलर चल रहा है। पौधे वौधे तो बढ़िया दिख रहे हैं, काफी अच्छा सुंदर पौधा दिख रहा है। बाकी आप बताएंगे, इसमें भी मक्का लगभग 20-25% ही दिख रहा है। ये देखिए अजय भैया, आपके लिए ना एक लाइन निकल के आती है, छत्तीसगढ़िया बहुत ही बढ़िया। मित्रों यह देख सकते हैं आप, इस तरीके से घास के बीच में जो प्लॉट है अजय भैया जो मेंटेन कर रहे हैं, ये वही किसान कर सकता है जिसने समर्पण दे दिया हो किसान पाठशालाओं को। एक होता है विश्वास, विश्वास डगमगाता है, दूसरा होता है समर्पण, समर्पण में ही शक्ति है। बस आपको अगर किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़ना है तो समर्पण के साथ बढ़ना है। अभी जिन मित्रों का फील्ड कांच जैसा क्लीन है, उनके पौधे गंदे हैं, उनके पौधे गड़बड़ है, उनके पौधों की हाइट हेल्थ में दिक्कत है। जिन मित्रों के खेतों में कोई घास नहीं, कोई खरपतवार नहीं, उन मित्रों के खेतों में ये कंडीशन नहीं दिखती है। जो कंडीशन अजय भैया के खेत में दिख रही है, पौधे में मैच्योरिटी, कत्थई कलर का धब्बा और एकदम प्लांट परफेक्ट
ये जो कत्थई धब्बा यहाँ पर है, तने की मोटाई जो दिख रही है, एकदम परफेक्ट है अजय भैया। ये हर कोई से प्लाट पर नहीं दिखेगी। कत्थई कलर का जो धब्बा है वह भी अपने आप में कंप्लीट है। आज अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने में अगर आपके फील्ड में बारिश जैसा सिम्टम आ रहा है ये पत्तों के ऊपर, मतलब ये सबसे अच्छा राइट सिंबल है ना। और बड़ी बात मैं कहूँगा कि आपका धैर्य, ये जो पौधों के आसपास जो खरपतवार कचरा दिख रहा है उसी के कारण यह मैच्योरिटी का सिंबल है और प्लांट 100 सही जा रहा है, एक चीज। दूसरा, अभी जो पौधों के आसपास पत्तों का साइज बड़ा हो गया है, ये साइज बड़ा हो गया है, ये साइज बड़ा हो गया है, इनके आसपास की घास जो है वो काफ़ी बड़े मात्रा में आपको निकालनी है। पौधे से एक एक डेढ़ डेढ़ फीट तक की घास को निकाल दो, ताकि आप जो ड्रेंच करोगे, अभी अभी पूरा मई का महीना ड्रेंचिंग ही करना है, ड्रिप से मत दो, पौधा दूर है और घास खा जाएगी आपका खाद। घास रखना है पूरे खेत में, ताकि पूरा फील्ड एकदम कंफर्ट और जो गर्म लू चलती है उसको ठंडा करके पौधे को लगाए और केला बारिश जैसा ही चलता रहे। अजय भैया, यहाँ से मई के महीने में आप एक प्रकोशन ले सकते हो, मैं एक सॉलिड ड्रेंचिंग बता रहा हूँ आपको पूरे मई के महीने के लिए। 150 लीटर पानी में 10 किलो DAP, 5 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड घोलना है, उसको 50 ग्राम पोटेशियम हुमेट डालना है, 15 ग्राम से 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, 5-5 से 7-7 दिन के अंदर, अगर पॉसिबल हो 5-5 दिन, अगर गड़बड़ हो तो हर 7 दिन में एक कम से कम 4 से 6 ड्रेंचिंगें करना है पौधे के तने से दूर, जिधर ड्रिप हो उस तरफ 100-100 ml प्रति प्लांट, वो 5x7 का है उसमें भी, जो 7x5 का है उसमें भी। और घास को आपके पौधे से थोड़ा सा 2-2 फीट की दूर तक की निकालना है। बहुत अच्छा आपका मैनेजमेंट है, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है आपने जो इस तरीके से घास और केला किया है। यह हमें किसानों को दिखाने में भी आएगा कि यह जो घास है यह जब बड़ी हो रही है और मई में जब बारिश आएगी 15 जून के आसपास, उस समय हम इस घास को घुटने घुटने से ऊपर वाली को काट करके जो आपने ड्रिप के बीच में पट्टा किया है वहाँ पर कचरे की मल्चिंग करेंगे और जो नाली में घास है वह नाली क्लीन होगी बारिश का पानी बहने के लिए। उस समय आपका केला चौतरफा स्पीड से भगेगा और आज की तारीख में भी घास के कारण अच्छा है। तमाम केले के पुराने खिलाड़ियों को मैं बतला दूं, सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, किसान पाठशाला से सीखिए। लाइव वीडियो में एक भी एडिटर जैसा ऐसे नई घास लगा दी फलाना ढिमका, एडिट में करता हूँ केवल राइट का निशान यह सिंबल बतलाने के लिए, अलग से कुछ नहीं मैं करता हूँ। जैसा किसान ने भेजा वैसा का वैसा प्रेस करके भेज रहा हूँ, किसके लिए, क्या हो रहा है किसान के खेत में देखो। जो किसान साफ सुथरा क्लीन खेत रखता है उसका सेंटर पोंगा जल रहा है, सेंटर पोंगा चिपक गया है, पहला पत्ता खुला नहीं, उसके साइड से नया पत्ता टेढ़ा होकर के आ रहा है, ये सारी गड़बड़ी सनबर्न और धूप और लू की है। और जिन मित्रों के खेतों में मक्का और घास या सण नहीं है, वह मई लास्ट में 9 तपा में पूरे खेत को डैमेज करके बैठेंगे और जून का एक पानी गिरेगा वहाँ पर फंगस आएगी और नीचे कॉलर रॉड से पौधे 10% गिरेंगे, हाथ लगाओगे तो गिर जाएंगे, ऐसी दिक्कतें आएगी। आज भी समय है, समझ लीजिए, जिनके यहाँ मक्का और घास नहीं जर्मिनेशन हुआ है वह अपने खेतों में खरपतवार को आने दो, सण नहीं लगा पाए वह खरपतवार को पौधे के आसपास की फालतू जगह पे आने दो, पौधे के आसपास की जगह खाली रखो और केवल फर्टिलिटी पौधे के आसपास जहाँ पर मॉइस्चर है वहाँ पर करो, पूरे खेत में करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि घास को कोई फर्टिलाइज़र हम दे, हमारा बजट वाला पैसा घास न खाए और वह न्यूट्रिशन वैल्यू बना के रखे। और जब बारिश आने के पहले हम काटेंगे और वहाँ पर बिछा देंगे तो जहाँ बिछाएंगे कचरे की मल्चिंग होगी, वहाँ पर नया खरपतवार नहीं आएगा, जहाँ से काटेंगे वहाँ पर रूट का स्ट्रक्चर देसी केचवे उस रूट को खाने आएंगे तो वहाँ पर बीज सहित सबको खा जाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं आएगा बारिश के बाद आपको कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, देसी केचवा नीचे से निकल के आएगा और जितनी घास को काटोगे उसका रूट का स्ट्रक्चर जो ज़मीन में गड़ा होगा उसको खाने के लिए अंदर बाहर होगा और आपकी पूरी ज़मीन को ढीली करेगा, ये देसी केचवे की खासियत है। बहुत अच्छा लगा अजय भैया, आपकी फील्ड अच्छी है। अभी तक मई के महीने का प्रकोशन रखो, मई के महीने में ये ड्रेंचिंग फॉलो करो, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान दो, पौधे के आसपास की सफाई रखो। मित्रों, यह छत्तीसगढ़ से अजय केला जी हैं,
मैं डिस्क्रिप्शन में अजय केला जी का नंबर भी मैसेज करूंगा, जिनको छत्तीसगढ़वासियों को किसान पाठशाला की 7 गाइडलाइन में किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा के साथ चलना है, वह अजय भैया की साइट जाकर देख सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए बी किसान का स्पेशल नंबर जो है 9754038222, 9745038222, यह छत्तीसगढ़ के लिए नंबर है। मैं बलराम किसान बात कर रहा हूँ। सभी किसानों से निवेदन है, क्या हम ऐसा करें जिसमें किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा हो। नेचुरल कचरा, नेचुरल मल्चिंग, नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल हो रहा है, हम कल्टीवेटर ट्रैक्टर निकाल निकाल के जगह को क्लीन रखते हैं और पौधे मारते हैं, ख़राब करते हैं, पपीता में भी, केले में भी, और फिर पूछते हैं बलराम भैया मैं क्या करूँ, मैंने आपको 100 फॉलो किया है। अरे 100 फॉलो करने वाले अजय भैया जैसे किसान हैं। मज़ा आया भैया, आपने खरपतवार रखा है खेत में, बहुत कम किसान रखते हैं, दिल गुर्दे चाहिए इसके लिए, क्योंकि घर मम्मी पापा भी डांटते हैं। और किसान सोचता है यार मैंने आज तक खरपतवार निकालता आया हूँ, बलराम बोलता है खरपतवार रखो, ये गड़बड़ी है। अच्छा लगा अजय भैया, आपकी फील्ड अभी तक अच्छी है, ओवरऑल एवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पूरा खरपतवार एकदम मत निकालना, बारिश आने के पहले तक एक पानी ना गिरे जब तक खरपतवार काटना चालू मत करना, वरना फील्ड खराब होगी। मेरी बाइट्स थोड़ी सी समय से अलग है, किसानों की प्रैक्टिस से दूसरी दिशा में है, लेकिन सही यही है। फालतू खर्चा कल्टीवेटर निंदाई गुड़ाई बंद करो बारिश आने तक, उसके बाद में काटना चालू करो। अभी जितने मित्र हैं केवल पौधे के आसपास की सफाई करो बस। मैं बलराम किसान, बाइट्स अच्छी लगे ज़्यादा किसानों तक भेजो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू अजय भैया।